ESI हॉस्पिटल फरीदाबाद में कैंसर यूनिट की स्थापना 5 साल पहले हुई थी और इस दौरान हमने हर तरह के कैंसर के मरीजों का इलाज किया है और कुछ मरीजों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी ज़रूरत होता है। इसको देखते हुए करीब 1.5 साल पहले 2022 में हमारे यहाँ पे कैंसर के लिए BMT यूनिट की स्थापना हुई थी। इस दौरान हम लोगों ने करीब 38 मरीजों का इलाज किया है और ज़्यादातर मरीजों में हमें सफलता मिली है और ये हमारा 2 बेड का BMT यूनिट है। कुछ मरीजों का इस समय इलाज भी चल रहा है, उनसे हम मिलवाएंगे। ये बलदेव जी हैं, 55 साल के हैं और इन्हें माइलोमा का बीमारी है, मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। इसके इलाज में शुरू में 2-4 महीने का कीमोथेरेपी दिया जाता है, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। इनका करीब 1 साल से कीमोथेरेपी का इलाज अम्बाला में हो रहा था और बोन मैरो ट्रांसप्लांट चूँकि हर जगह नहीं हो पाता, इसलिए इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट वहाँ पर नहीं हो पाया था और अंततः उनको यहाँ पे हमारे यहाँ रिफ़र किया गया और हमने इन्हें दिसंबर में भर्ती करके बोन मैरो ट्रांसप्लांट में स्टार्ट के कुछ सप्ताह होते हैं उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों के बाद मरीज का शरीर जब बोन मैरो अपना बनाना बंद कर दे तब इनका जो बाहर पहले से बोन मैरो के सेल्स रखे हुए हैं उनको इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो इनके केस में पहले बोन मैरो सेल्स निकाले गए ब्लड से दवा दे के, फिर 1 दिन का हाई डोज कीमोथेरेपी जिसको मेलफ्लेन कहते हैं उसे दिया गया। उसके बाद जो बाहर इनके बोन मैरो सेल्स रखे थे उनको इन्फ्यूज़ कर दिया। इसमें आइडिया ये होता है कि जो हाई डोज कीमोथेरेपी से पेशेंट का बोन मैरो एकदम से ख़त्म कर दिया जाता है और जो बाहर रखा हुआ बोन मैरो उसको वापस इन्फ्यूज़ करने से करीब 1 से 2 सप्ताह में बोन मैरो अपना फिर से बनाने लगता है। इस दौरान जो कैंसर की बीमारी होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इससे पहले मेरे को TV की प्रॉब्लम हुई थी, 1 साल मेरा वहाँ लाज चला जी। 1 साल के बाद में डॉक्टर साहब ने लिखा दे दिया था जी ये आपकी TV ख़त्म हो। 1 साल के बाद ये नहीं पता जी मेरे को चोट लगी है या क्या, मेरी बज्जू पर गांठ पड़ी थी। गांठ पड़ने के बाद जी मैं इसको मड़वाया जी, 2-3 बार उसने बोला भी अब ठीक हो जाएगी, वो अब ठीक नहीं हुई जी, वो दर्द बढ़ता चला गया जी। इसके बाद मैंने एक्सरे करवाया जी, तो एक्सरे में पता लग गया भी उसने मेरे को बोला जी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो मैंने दिखाया जी। उसने मेरे को बताया भी आपको कैंसर है, 8 नंबर फरीदाबाद में भेज दिया जी उन्हें ESI ने जी। तो वहाँ मैडम बोली जी ये इलाज आपका यहाँ नहीं होगा, ये इलाज आपका 3 नंबर में होगा। वहाँ से जी लोखवा के हम यहाँ 3 नंबर में आए थे जी। तो हमने डॉक्टर साहब को यहाँ दिखाया जी, उसके बाद हमारा इलाज बिल्कुल सही चला जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ESIC चिंता से मुक्ति।